हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एक सुपर क्रिएटिव और फन क्ले पेंडेंट क्राफ्ट सेशन। बट बिफोर वी जंप इनटू द एक्साइटमेंट, लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लास्ट टाइम जब हमने पेंडेंट वीडियो डाली थी, आपने उस पर बहुत सारा प्यार दिखाया था, बहुत सारा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आई नो बहुत छोटा सा नंबर होगा बहुत लोगों के लिए, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब तक मेरे सारे लॉन्ग वीडियोज़ में वो सबसे ज़्यादा लाइक व्यूएबल वीडियो है। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो आज हम जो बनाने वाले हैं, तो उसमें हम तीन अलग अलग टाइप के पेंडेंट्स बनाएंगे, और उसमें एक बोनस आइटम भी है, जो कि है एक ब्यूटीफुल सा लीफ शेप इयररिंग। सो लेट्स ड्राइव इन टू इट। सो पहला पेंडेंट जो हमारा होगा वो होगा एक टर्टल पेंडेंट। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले क्ले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एंड देन हम उसे अपने टर्टल के शेप में मोल्ड करेंगे। ओके, एंड उसके बाद फिर हम उसे, जब हमारा ये शेप रेडी हो जाएगा, फिर उसे हम ड्राई करने को छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर एक जेसो की कोट अप्लाई करेंगे, एंड देन फिर इसे दोबारा ड्राई करेंगे। आफ्टर दैट हम इस पर लाइट स्काई ब्लू कलर का पेंट कर से पेंट करेंगे। हमने क्या किया, हमने ब्लू कलर लिया है एंड उसमें वाइट कलर ऐड किया है। सो ये कलर बन गया। अगर आपके पास ऑलरेडी ये कलर है तो आप वो कलर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लू कलर में वाइट कलर मिक्स करके ये कलर बना सकते हो। सो इसे हम अच्छे तरीके से इसकी पूरी कोटिंग करेंगे, एंड देन फिर इसे ड्राई कर लेंगे। अब हम मेटेलिक कलर यूज़ करेंगे फॉर हाईलाइटिंग। तो इसमें मैंने रैंडम पैटर्न्स बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पैटर्न को इस पर ड्रॉ कर सकते हो। ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है, ये बहुत क्यूट लगेगा। आप रैंडमली छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो, जो भी आपको पसंद है, जस्ट फ्री योर सेल्फ, है ना, और कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है। एंड देन हम बस इसको वार्निश की कोट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एंड देन इसमें हम चेन्स एंड हुक्स अटैच करके अपना पेंडेंट तैयार कर लेंगे। चलो फिर देखते हैं ये कैसा लगता है। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो प्लीज़ नीचे देखना एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे ज़रूर टच कर देना एक बार, है ना, एक बहुत अच्छा सा मैजिक होगा, प्लीज़ ट्राई करना उसे। एंड अगर आप पहले से हो तो थैंक यू सो मच, है ना। तो चलो लेट्स मूव इन टू आवर नेक्स्ट आइटम, जो कि होगा हमारा एक स्टनिंग सा हाफ मून पेंडेंट। सो इसके लिए हम क्ले लेंगे, एंड क्ले को हम अच्छे से मून शेप में मोल्ड कर देंगे, है ना। यहाँ पर मैंने हाथों से किया, बहुत इजी प्रोसेस है, आप हाथ से आराम से हाफ मून बना सकते हो, है ना। सो आप ये करोगे, देन हमने इसमें हुक अटैच करिए, ताकि हमें आगे बाकी की चीज़ों को ज्वाइन करने में, अटैच करने में ईजी पड़े। आफ्टर दैट हम इसे ड्राई कर लेंगे, एंड देन हम इसके ऊपर जेसो की एक कोट अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा कलर और अच्छे से खिल गया। अब हमने इसे फिर से ट्राई कर लिया है जेसो अप्लाई करने के बाद, एंड सेम कलर हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, जो हमारा लाइट ब्लू था, स्काई ब्लू, है ना। सो यहाँ पे, एंड जब ये ड्राई हो जाएगा, बेस कलर ड्राई हो जाएगा हमारा, देन हमने यहाँ पे अगेन मेटलिक कलर यूज़ किया है। अब कोई सा भी मेटलिक कलर यूज़ कर सकते हो, है ना, एंड कोई सा भी पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रैंडम पैटर्न्स बनाए हैं हर पेंडेंट पे, सो आप रैंडमली कुछ भी बना सकते हो, फ्रीली रहो, आपको जो अच्छा लगता है, जो मन करता है, कुछ भी बनाओ, अपने क्रिएटिविटी को बाहर आने दो। तो बेसिकली वही तो है, हमारे क्राफ्ट वर्ल्ड ही वही है कि सो योर क्रिएटिविटी। तो बस, एंड देन हम सारी चीज़ों को अटैच करेंगे, और ये हमारा रेडी हो गया। कैसा लगा आपको, होप मजा आया हो। चलो फिर अब हम अपने तीसरे आइटम पे मूव करते हैं, जो कि होगा एक लीफ शेप पेंडेंट। सो गाइस, एक बोनस आइटम भी है, पता है ना, यस इसके बाद आपको पता चलेगा, बाद नहीं, आई थिंक इसी में पता चलेगा। चलो देखते हैं, है ना। सो हमने इसके लिए शेप कटर यूज़ किया है, मैंने इसके लिए, तो हमने शेप कटर की हेल्प से इसको लीफ शेप में कट कर लिया है। और अगर आप चाहो तो आप हाथों से भी इसका शेप बना के अपने क्ले के ऊपर, है ना, पेन से या फिर किसी भी हाइलाइटर से शेप बना के देन उसे कट कर सकते हो।
और यहाँ पे मैंने 3 लीव्स कट करे हैं, एक बड़ा साइज का है एंड 2 छोटे छोटे साइज के हैं। जी हाँ, वो 2 छोटे छोटे साइज के इसलिए कट करे हैं हमने क्योंकि हमें उसके इयर रिंग्स भी बनाने हैं। यस, यही था हमारा बोनस। सो या अभी हमने सबके ऊपर ये सोची एक कोट अप्लाई करनी है एंड देन उसे हम ड्राई कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे मैंने ना ग्रीन कलर यूज़ किया है क्योंकि लीफ ऑफकोर्स ग्रीन ही अच्छा लगता है ना। सो मतलब मुझे अच्छा लगता है, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको बस यही कलर यूज़ करना है क्योंकि मैंने किया है। आप कुछ भी यूज़ करो जो आपको पसंद है, मैंने ग्रीन प्रेफर करा है। सो मैंने अपने बेस कलर बेस को अच्छे से ग्रीन से कलर कर दिया है एंड हम अपने सारे आइटम्स को ऐसे कलर कर लेंगे, है ना। सो गाइस बताओ आप तो मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या बताऊँ। अभी सोच रहे हो मैं बहुत बकवास करती हूँ, है ना, मैं करती हूँ, आई नो, बट ठीक है। चलो फिर मेरे को बताना आप कि आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मेरे को कुछ अच्छे अच्छे नए नए चैलेंजिंग वीडियोस लाने चाहिए, सो वो भी कमेंट में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि ऑफकोर्स मैं उन सारी चीज़ों को लाऊँ जो आप चाहते हो अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर एक्चुअली। सो या एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफकोर्स, है ना। एंड चलो फिर वापस आते हैं वीडियो पे, मैं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं ना, तो आती तो हाँ फिर वापस हम सारी चीज़ों को आपस में अटैच करेंगे एंड ये है हमारा इयर रिंग्स एंड ऑफकोर्स ये हमारा पेंडेंट भी है। तो अब बताना आपको कैसा लगा, आपका फेवरेट एलिमेंट कौन सा था, आपका फेवरेट पेंडेंट कौन सा था एक्चुअली एंड इयर रिंग्स कैसे लगे आप। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।